ओ नो गाइस यार, ये क्या हुआ? आज के दिन तो मैं फिर से लेट हो गया भाई। टीचर मुझे बहुत मारेगी। अभी तो यार ट्यूशन टीचर आ भी गई होगी। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। ओ नो गाइस यार, ये क्या? यहाँ पे तो गाइस यार टीचर यहाँ पे स्टडी स्टार्ट भी कर दी है, क्लास स्टार्ट भी कर दी है, मैं तो यहाँ पे लेट हो गया। अरे यार एक काम कर दो, छुपके से जाकर के पीछे बैठ जाता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। अभी क्लास में कौन लेट आया है मुझे जल्दी बताओ। मुझे पता है यहाँ पे कोई लेट करके आया है, अगर तुम लोग नहीं बताओगे तो मैं तुम सबको मारूंगी। अरे यार प्लीज कोई बोल मत देना, अवेंजर्स मेरे दोस्तों लोग, प्लीज बोल मत देना कि मैं ही आया हूँ लेट। प्लीज अगर बोल दोगे ना तो ये टीचर मुझे बहुत बुरा मारेगी। फ्रैंकलिन, मैं नहीं बोलूंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। उरे बाबा, मैं भी नहीं बोलूंगा, चिंता मत करो फ्रैंकलिन, तुम आराम से बैठो। हर भी नहीं बोलेगा, चिंता मत करो फ्रैंकलिन। अरे गाइस यार यहाँ पे तो कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। एक सेकंड कैप्टन अमेरिका, तुम तो नहीं बोल दोगे ना? माफ करना फ्रैंकलिन, बट मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। टीचर, फ्रैंकलिन ही लेट करके आया है, ये देखिए पीछे। कैप्टन अमेरिका, तेरी ऐसी की तैसी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझे फंसा दिया। फ्रैंकलिन, तुम ही लेट करके आए हो, मुझे पता था। एक बात बताओ, तुम्हारा बैग कहाँ है? एक सेकंड, बैग? ओ नो गाइजर, बैग तो मेरा घर में ही छूट गया, और उसके अंदर होमवर्क भी था, वो भी गाइजर घर में छूट गया। अब टीचर को लगेगा कि मैं होमवर्क का बहाना कर रहा हूँ। ओ नो। अच्छा, तुम्हारा होमवर्क बोला बैग में जो घर, वो घर में छूट गया? हाँ टीचर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हें अभी बताती हूँ, रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं फ्रैंकलिन, रुको ये लो। ये देखो गाइजर, ये क्या किया टीचर ने मुझे मार मार करके, मेरा तो यहाँ पे चटनी बना दिया, ये देखो। जो भी लोग मेरा बात नहीं मानेगा उसका यही हाल होगा, समझे? मेरा ट्यूशन क्लासेस का नाम नहीं खराब होना चाहिए। तुम सबको मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम सब लोग बहुत ही बनमाश हो, टाइम पे होमवर्क नहीं करते हो, क्लास नहीं आते हो, और अच्छा मार्क्स भी नहीं लेके आते हो। तुम सबको मैं एक काम करती हूँ, रूम में बंद कर देती हूँ, यही सजा है तुम लोग की। अरे टीचर, लेकिन हम लोग को क्यों सजा दे रहे हैं, मैंने क्या किया? उड़ी बाबा, हाँ मैंने भी क्या किया? मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम सब लोग अभी जाओगे कमरे के अंदर, मैं तुम्हें बंद करती हूँ, तुम लोग को मैं छोड़ूंगी नहीं, समझे? तुम लोग को मैं छोड़ूंगी नहीं, समझे? इन सब को मैंने बंद कर दिया अंदर, अब तुम लोग यहीं पे बंद रहोगे, समझे? ना खाना मिलेगा ना पानी, तुम सब लोगों को मैं जेल की तरह रखूंगी, समझे? जैसे जेल में सब लोग रहते हैं, तुम स्कारी टीचर के स्टूडेंट हो, समझे? तुम लोग ऐसे नहीं बचोगे। ओ नो गाइजर, भाई देख रहे हो स्कैरी टीचर कितनी खतरनाक है? वो गाइजर वो ना हम सबको यहाँ पे बंद कर दी है, और हो सकता है कि गाइजर वो ना हम सबको भूतिया घर ले जाए और वहाँ पे भी बंद कर दे। भाई मुझे बहुत ही डर लग रहा है, प्लीज हम सबको कोई बचाओ, प्लीज हम सबको कोई बचाओ, तो वरना स्कैरी टीचर हम सबको छोड़ेगी नहीं। एक सुन गाइजर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? भाई स्कैरी टीचर ने हमारे दोस्तों को, मतलब गाइजर अवेंजर्स और फ्रैंकलिन को, भाई यहाँ पे बंद कर दिया है कमरे के अंदर। भाई किस लिए पता है? होमवर्क ना करने पर। ऐसी कौन सी टीचर है जो होमवर्क ना करने पर ऐसा सजा देती हो? भाई यार मैं भी स्कूल जाता हूँ, आप भी स्कूल जाते होंगे, जाते हो ना कमेंट करके जल्दी से बताओ। देखो दर, मैं अभी भी यहाँ पे होमवर्क ही कर रहा हूँ, और आप लोग भी गाइजर बैठे बैठे होमवर्क ही करते रहते होगे, बोरियत नहीं लगता क्या? और यार होमवर्क ना करके जाओ तो भाई टीचर ना बहुत बुरा मारती है, पता है किससे? इस स्केल से बहुत बुरा मारती है। मैं तो गाइजर ये येल्लो वाले स्केल से ना स्कूल में बहुत पिटाई खाया हूँ। आप लोग यार कमेंट करके बताना कि आप यार इससे पिटाई खाते हो कि नहीं। बट गाइजर अपने दोस्तों को बचाने के लिए मैं, मतलब गाइजर आपका एक भाई जाने वाला है स्कैरी टीचर के घर के अंदर, एंड भाई स्कैरी टीचर को परेशान करने के लिए, क्योंकि गाइजर आपको तो पता है उसने यार हमारे दोस्तों, मतलब भी गाइजर फ्रैंकलिन और अवेंजर्स लोग को परेशान किया है, हमारे इतने प्यारे दोस्तों को। अभी तो मैं भाई वो टीचर को छोड़ने नहीं वाला, अभी मैं जाऊंगा उनके घर में और उनके साथ यार प्रैंक करूंगा, मस्ती करूंगा उनके साथ, जिससे गाइजर आप लोग को भी बहुत मजा आने वाला है। तो क्यों वेट कर रहे हो? तो गाइजर जल्दी जाकर के कमेंट में जाकर लिख दो स्कैरी टीचर बैड। हाँ यार जल्दी जाकर लिख दो, क्योंकि वो बहुत बुरी है, सबको यार परेशान करती है। बट चिंता मत करो, इस बार आपका एक है भाई उसको परेशान करने वाला है, ठीक है? तो चलो तो गाइजर वेट क्यों करते हैं, चलते स्कैरी टीचर के घर में और उसे थोड़ा सा परेशान करते हैं, लेट्स गो। तो गाइजर फाइनली हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, टीचर का यहाँ पे हेलोवीन ड्रेस आने वाला है। ओके, ये देखो ये आ चुका है टीचर का हेलोवीन ड्रेस। तो यार ये सोचो इससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे लेकिन मजेदार करने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ ना गाइजर, हेलोवीन ड्रेस निकाल करके वो पार्सल के अंदर ना कुछ और डाल दिया जाए। आप लोग का क्या प्लान है? मैं सोच रहा हूँ गाइजर उसके अंदर ना मधुमक्खी का छत्ता डाल दिया जाए, है ना मस्त प्लान? जैसे ही टीचर खोलेगी वो पार्सल को, मधुमक्खी का छत्ता मुंह पे आ जाएगा। तो चलो तो गाइजर सबसे पहले अंदर चलते हैं, मधुमक्खी का छत्ता ना मुझे यहाँ पे आस पास में मिल ही जाएगा, लेकिन गाइजर उससे पहले मुझे पार्सल जाके देखना होगा कि वो पार्सल कहाँ पे। लेट्स गो गाइजर, ये इसको ओपन करते हो, ऊपर देखो ऊपर रही वो टीचर, और भाई साहब ये लगता है टीचर नीचे आने वाली है क्या? उन्होंने
नो, ये देखो ये टीचर तो नीचे आने वाली है, ये देखो इससे अच्छा मैं यहाँ पे ना ये दरवाजे से अंदर चला जाता हूँ। चलो ये बढ़िया है, ये जैसे नीचे जाइए ना मैं टॉप फ्लोर में चल जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है सीजर ना टॉप फ्लोर में ही होने वाला है। एक सेकेंड, टीचर इधर क्यों आ रही है? अरे भाई साहब ये पगली है क्या टीचर, ये इस तरफ क्यों आ रही है? चलो कोई नहीं भाई साहब, मैं तो भाई गेट से चल जाऊंगा। इसको पता चल चुका था कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई आया है, ये देखो इस रूम से आ चुकी है वो। लेट्स गो, ये देखो जा रही है, जाओ 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 जल्दी जाओ जल्दी जाओ। मैं भाई यहाँ पे छुपके से देखते हैं ये कर क्या रही है। Why hold a singing competition? No one can sing better than I do. Okay, भाई यहाँ पे ये चुपचाप बैठ चुकी है। अरे यार मुझे यहाँ पे ऊपर जाना है, अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई ये कहाँ जा रही है? ये भी ऊपर जा रही है। चलो अच्छा मौका है, ये ऊपर जाएगी, इसके पीछे पीछे मैं भी ऊपर चला जाऊंगा। चलो गाइस यार ये ऊपर जा चुकी है, अब मेरा टाइम है ऊपर जाने का, क्योंकि यार मुझे ऊपर जाके ना यहाँ पे सीजर्स लेनी है। लेट्स गो गाइस यार, ये अच्छा मौका है। चलो अब यहाँ पे अंदर चलते हैं, इस रूम के अंदर मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, चलो देखता हूँ। यहाँ पे ग्लू है, ओके ग्लू रख सकता हूँ, शायद कुछ काम आ जाए। टेप शायद मुझे काम आएगा, ग्लू तो मुझे लगता है ज्यादा काम नहीं आने वाला, क्योंकि गाइस उसके अंदर ना टेप चिपकेगा। ओके यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं यहाँ पे भी कुछ नहीं है। लेट्स गो इधर चलते भाई, यहाँ पे कुछ है। ओके टेप, फाइनली मुझे टेप मिल चुका है। जैसे यार मैं पार्सल को काटूंगा तो भाई साहब मुझे वापस से टेप से चिपकाना होगा, तो वरना तो यार टीचर को लग जाएगा कि भाई किसी ने भाई पार्सल के अंदर कुछ छिड़कानी की है। इसीलिए यार मुझे यहाँ पे बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा, टीचर बहुत ज्यादा तेज है समझे। चलो तो यार यहाँ पे कुछ नहीं है सीजर। ओह नो भाई साहब, टीचर ने मुझे पकड़ लिया। ओह नो भाई साहब, भाई सच में यार मुझे नहीं लगा था कि भाई ये टीचर मुझे इतना जल्दी पकड़ लेगी, बट यार सच में ये टीचर तो बहुत ही ज्यादा ही डरावनी है और बहुत ज्यादा बदमाश है। उसने मुझे पकड़ लिया और यहाँ पे गाइस ताला भी लगा दिया, देख रहे हो घर के अंदर ताला लगा दिया। मैं यूं ही अब घर के अंदर नहीं जा सकता, लगता है मुझे कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा घर के अंदर जाने का। एक काम करता हूं मैं डायरेक्टली ऊपर ही जाता हूं, मैं नीचे क्यों जाऊंगा जब मुझे ऊपर फ्लोर में ही काम है। तो लेट्स गो यार यहां से ऊपर चलता हूं। ओके एंड ये देखो ये रहा ऊपर में मधुमक्खी का छत्ता, ये मुझे लास्ट में यूज आएगा। लेट्स गो, अभी ना मुझे यहाँ पे सीजर चाहिए किसी भी कीमत पे। चलो टेप तो मैंने ले लिया, टेप बढ़िया है, और यार मुझे वहां पे नजर रखते रहना होगा, हो सकता है टीचर ऊपर ही हो। ओके टीचर ऊपर ही है, मुझे यहाँ पे ध्यान से जाना पड़ेगा। चलो 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 ध्यान से चलो। ओके ये दरवाजे की इधर है क्या टीचर? ओके हो सकती है ये दरवाजे की उस तरफ भी हो, मुझे यहाँ पे देख करके जाना होगा। तो यार यहाँ पे यार मुझे यहाँ पे कैची तो नहीं मिल रहा, मतलब सीजर तो नहीं मिल रहा, बट गाइजर मुझे यहाँ पे एक और चीज मिला है, ये देखो ये है गाइजर कटर। अब मैं ये कटर की मदद से बॉक्स को काट सकता हूँ। लेट्स गो, अब चाहिए मुझे यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता। और ओ नो यहाँ पे टीचर है, ये देखो ये देखो ये देखो टीचर मुझे देखे ना। ओके फाइनल यार टीचर ने मुझे बिना देखे यहाँ से चली गई, चलो बेहतरीन है। ओके तो टीचर यहाँ पे आई थी बट यार वो मुझे देख नहीं पाई। अब यार मुझे यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता चाहिए, और वो छत्ता को लेने के लिए ना गाइजर मैं भाई ऐसे जाऊंगा तो मधुमक्खी मेरे पे अटैक कर देगी। उससे यार बचने के लिए मुझे यहाँ पे ग्लव्स चाहिए, तो ये लो मैंने ग्लव्स भी पहन लिया। अब सही समय है मधुमक्खी का छत्ता को लेने का। ओके तो चलो तो गाइजर एक काम करते हैं, इस जगह से जल्दी से बाहर निकलते हैं। अब मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना है। लेट्स गो गाइजर, जल्दी से बाहर निकलो भाई, जल्दी से बाहर निकलो। अब ना यार मुझे यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता के पास जाना है। ओके तो लेट्स गो, यहाँ से ऊपर ऊपर चलते हैं। चलो गिरना मत गिरना मत, भाई गिर गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो बढ़िया है, अब मुझे यहाँ पे देखो ऊपर है मधुमक्खी का छत्ता नजर आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता को जल्दी जल्दी ले लेना होगा। लेट्स गो भाई, यहाँ पे टीचर पार्सल खोलने से पहले मुझे यहाँ पे सब काम कंप्लीट करके ऐसे 9:00-2:11 होना पड़ेगा। ओके तो चलो मैंने यहाँ पे सीढ़ी लगा दिया है, अब ऊपर चलते हैं। एंड गाइजर अब ना मधुमक्खी का छत्ता को पकड़ लेते हैं। ये देखो भाई मैंने ग्लव्स पहना था तभी मैंने मधुमक्खी का छत्ता पकड़ लिया। अब चलो गाइजर अब मुझे यहाँ पे नीचे जाना है। ओके तो मुझे यहाँ पे एकदम ध्यान ध्यान से नीचे जाना होगा, और नीचे टीचर तो नहीं है ना? ओके टीचर तो नीचे नहीं है। लेट्स गो, टीचर उठ के कहीं तो जा रही है, अब मुझे नहीं पता, बट यार अब मुझे ना यहाँ पे काम करना होगा कंप्लीट। ओके टीचर टीचर पता नहीं कहाँ पे, बट गाइजर चलो। ओके बाहर ही टीचर है। ओ नो 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 भाई अंदर चलो अंदर चलो, भाई टीचर पता है मेरी तरफ ही आ रही है, ये देखो। ओके यार टीचर देखो वहां जा रही है, बाहर चल जा टीचर बाहर चल जा। चलो यही सही समय है, लेट्स गो गाइजर इसे ना एक काम करते काटते हैं। फाइनली यार मैंने यहाँ पे काट दिया है। अब गाइजर एक काम करते मधुमक्खी का छत्ता इसके अंदर डालते हैं, एंड गाइजर टेप से इसे पैक कर देते हैं। लेट्स गो, फाइनली हो चुका है सब चीज कंप्लीट। अब यहाँ से जल्दी से मुझे भागना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे सब चीज कर दिया है। अब चलो यहाँ से जल्दी से भागते हैं टीचर आने से पहले। लेट्स गो, अब आने वाला बहुत ही मजा। जैसे टीचर अपना बॉक्स खोलेगी ड्रेस के लिए, उसी गाइजर मधुमक्खी उसके ऊपर अटैक कर देगी। चलो अब देखते हैं क्या होने वाला है, लेट्स गो। ये दो गाइजर खोलने वाली है, ये देखो।
ये देखो कुछ तो होने वाला, कुछ तो हो जा। एक सेकंड, ये देखो भाई, मधुमक्खी पूरे तरीके से टीचर के ऊपर अटैक कर रहा है। और यार टीचर का चारा देखो पूरे तरीके से फूल चुका है। ओके फाइनली यार, हम लोग ने टीचर से बदला ले लिया, लेकिन अभी यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, हमें और भी बदला लेना है टीचर से, समझे? ओके तो गाइस यार, ये क्या, टीचर तो यहाँ पे पटाखा फोड़ने के लिए तैयारी कर रही है। ओके, और इसने गाइस यार टाइमर सेट कर दिया। अच्छा, ये पटाखा टाइमर वाला है। ओके हैप्पी न्यू ईयर के लिए। ओके यहाँ पे ये खा भी रही है मिठाइयाँ, चलो ठीक है। ओके अब गाइजर, मैंने इसके पटाखे को ना बहुत ही अच्छे तरीके से न्यू ईयर में बनाने वाला हूँ। रुको गाइजर, आपको तो याद ही होगा, हम लोग जब स्कूल पटाखा लेके जाते थे, मतलब वही क्रैकर्स, तो भाई टीचर हमें पकड़ के कितनी मारा करती थी। लेकिन इस बार यार टीचर अपने घर में पटाखा फोड़ने वाली है, तो क्या लगता है हम लोग उसमें कुछ करेंगे नहीं? अरे करेंगे, बहुत ही भयानक करेंगे। मेरे दिमाग में ना कोई खुराफाती आइडिया चल रहा है, वो टीचर के साथ करेंगे। सबसे पहले गाइजर, मैं ना चाहता हूँ कि पटाखे के साथ टीचर को भी उड़ा दिया जाए। अरे हाँ यार, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। चलो आओ, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो मैं करके भी दिखा देता हूँ। तो गाइजर सबसे पहले पता है मुझे क्या करना है? मैं आपको बताता हूँ मुझे सबसे पहले क्या करना है। ये देखो, ये रहा मिठाइयाँ। ओके अब देखो मैं क्या करता हूँ, और ऊपर साइड है पटाखे, तो चलो दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले गाइजर, मुझे यहाँ पे चाहिए रस्सी, मतलब कि रोप, और वो मुझे मिलेगा स्टोर रूम में। तो चलो सबसे पहले स्टोर रूम जाते हैं और वहां से रस्सी लेके आते हैं। उसके बाद मुझे जरूरत पड़ेगा ग्लू, और ये दोनों चीज लेने के बाद आप देखोगे गाइजर क्या होने वाला है। ये देखो मुझे यहाँ पे रोप मिल चुका है, चलो इसे रोप को ले लेता हूँ मैं। ओके फाइनली मेरे पास रोप तो आ चुका है, अब मुझे यहाँ पे चाहिए ग्लू। तो चलो मुझे पक्का है कि नहीं ग्लू मुझे ऊपर वाले फ्लोर में मिल जाएगा। लेट्स गो, जहाँ पे गाइजर सीजर और जहाँ पे कटर रखा हुआ था, चलो मुझे पक्का है कि नहीं वहाँ पे ग्लू भी था। यहाँ पे है क्या, चलो देखता हूँ। और यहाँ पे मुझे बच बच के जाना पड़ेगा, हो सकता है टीचर आस पास ही हो। ओके तो ये देखो मुझे यहाँ पे ग्लू भी मिल चुका है। अब चलो मुझे यहाँ पे दोनों चीज मिल चुका है, अब बस मुझे यहाँ पे नीचे जाना है। लेट्स गो गाइजर, नीचे चलते हैं जहाँ पे गाइजर टीचर ने सेटअप करके रखा है। ओ नो, टीचर ने मुझे देख लिया। यहाँ से भागो, जल्दी भागो, मुझे यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा। चलो एक काम करता हूँ, भागते ऊपर चलता हूँ। ओके ठीक है, मैं समझ गया। चलो यार यहाँ पे जल्दी से चलते हैं। मुझे गाइजर यहाँ पे जाना है टीचर के कमरे में, जहाँ पे यार उसने पटाखा मतलब कि क्रैकर को सेट करके रखा है। यहाँ पे देखो, ये देखो, अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, रोप को अटैच करने वाला हूँ इसे। फाइनली गाइजर मैंने यहाँ पे रोप को अटैच कर दिया है। अब दूसरा जो रोप है ना, वो देखो मैं कहाँ लगाता हूँ, मैं लगाने वाला हूँ टीचर की मिठाइयों में। चलो आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, पता है गाइजर वो अपनी मिठाइयों को खाएगी ना, इसीलिए यार उस टाइम रोप में लगा देता हूँ इसमें। ये देखो, और मैं एक काम करता हूँ इसमें ग्लू मिला लेता हूँ। अब चलो यहाँ से जल्दी से भागता हूँ, क्योंकि गाइजर पटाखों को फटने का ना टाइम होने वाला है। लेट्स गो, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट जैसे ही कुछ होगा ना तब मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही पटाखे को फटने का समय होगा ना तब मैं बताता हूँ। जो लोगों को ये ट्रिक समझ में आ चुका है ना, वो बहुत ही स्मार्ट है। ओके अब चलो वेट करते हैं, जैसे ही पटाखे को फटने का समय होगा तो गाइजर टीचर देखो क्या होने वाला है। अब देखो पटाखों के फटने का समय होने वाला है, ये देखो, और टीचर जैसे मिठाई खाएगी, और ये देखो टीचर भी उसके साथ जा रही है। ओह नो, ये देखो, और टीचर उड़ गई हवा में। ये मजा आ गया, ये हमारा हैप्पी न्यू ईयर तो आराम से बन गया। ये देखो टीचर को हवा में उड़ा करके, ये देखो। ओके तो गाइजर लगता है यहाँ पे ना स्नो बॉल, मतलब कि यार स्नो गिर रही है। ये देखो, और यहाँ पे बच्चों लोग कितने मस्ती से खेल रहे हैं, और मैं भी यार स्नो गिरता है तो ऐसे खेलता हूँ। बट टीचर ना मुझे नहीं लगता कि खुश है। एक सेकेंड, टीचर अपना मशीन लेके आ गई है स्नो बॉल को हटाने का, और ये लो बच्चों ने यार स्नो बॉल फाइट कर दिया स्टार्ट। एक सेकेंड, टीचर तो गुस्सा हो गई, ये क्या कर रही है टीचर? ओ नो भाई, बच्चे के ऊपर स्नो गिरा दी टीचर ने, ये तो गाइजर बहुत ही गलत किया, और हंस रही है। ओह नो, ये तो गाइजर टीचर ने बहुत ही गलत किया। भाई कुछ भी करना था, लेकिन बच्चों के साथ बदतमीजी या फिर गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए था टीचर को। अब गाइजर हम लोग ना टीचर से बदला लेंगे। गाइजर हम लोग क्या करेंगे ना भाई, उसी का तरकीब उसी के ऊपर आजमाने वाले हैं। जैसे गाइजर ये वाला जो स्नोबॉल मशीन है ना, इसको ऑन करके उसके ऊपर स्नो डालेंगे। उससे पहले गाइजर मुझे ना यहाँ पे स्नोबॉल मशीन का की चाहिए, मतलब गाइजर ये स्नोबॉल मशीन है उसको चालू करने के लिए चाबी तो लगेगा ना भाई, तो चाबी कहाँ से लाओगे? तो वो मुझे लाना होगा। तो लेट्स गो, मुझे लगता है चाबी आस पास ही होगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। चलो टीचर के कमरे में चलते हैं, क्या पता टीचर के कमरे में मुझे चाबी मिल जाए, हो सकता है, क्योंकि भाई ये हमेशा अपने कमरे में भी सवार रखती है। वो देखो ये रही चाबी। एक सेकेंड, बट मैं ऐसे ले लूंगा क्या चाबी? नहीं गाइजर, ऐसे तो मैं चाबी तरफ हाथ भी नहीं जा पा रहा। एक सेकेंड, मुझे ना यहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा, चाहे कुर्सी हो गया फिर चाहे कुछ हो जाए, जिससे गाइजर मैं ना यार चाबी ले पाऊँ। कुर्सी, आसपास कुर्सी है क्या? इतने सारे कुर्सी तो है यहाँ पे, बट इसे मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों।
ओके तो गाइजर मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ये देखो ये रहा वो कुर्सी। चलो ये कुर्सी मैंने ले लिया, मैं वहां पे रखूंगा कुर्सी को और भाई साहब मैं आराम से यार भाई वो चाबी ले लूंगा। चलो चलो जल्दी चलो मिस के कमरे में चलो, मुझे जल्दी से मिस के कमरे में जाकर के वो चाबी लेना है। लेट्स गो। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, कुर्सी को रखता हूँ। ओके चलो मैंने रख दिया। एंड ये देखो ये रहा मशीन का चाबी, स्नोबॉल मशीन का चाबी। लेकिन गाइजर ऐसे नहीं होने वाला है, मुझे यहाँ पे ना डोर बेल के पास भी कुछ लगाना होगा जिससे गाइजर टीचर डिस्ट्रैक्ट हो जाए और डोर बेल के पास जाए, उसके बाद स्नो मशीन से भाई हम लोग इसके ऊपर स्नो फेंक पाए। ओके तो चलो गाइजर एक काम करते ना भाई, यहाँ पे स्टोर बेस से मतलब बेसमेंट से कुछ सामान ले लेते हैं। ओके ये सही है, यहाँ पे झाड़ू रख लेता हूँ मैं। चलो ठीक है, अब ये पता है झाड़ू मुझे ना डोर बेल के पास रखनी है जिससे गाइजर डोर बेल का बेल बजे। ओके लेट्स गो। चलो एक काम करता हूँ जल्दी से यहाँ से बाहर निकलता हूँ, मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना होगा। मैं ऐसे निकल सकता हूँ क्या? ओके मुझे ऐसे तो नहीं जाना मिलेगा, मुझे की चाहिए। दूसरे तरीके से निकलते हैं, मतलब इस तरीके से यहाँ से लेट्स गो। चलो एक काम करते जल्दी से यहाँ पे प्लेस कर देते झाड़ू को। ओके मैंने यहाँ पे रख दिया झाड़ू को और गाइजर अब चालू करते हैं ये मशीन को। ये देखो अब आने वाले टीचर से बहुत ही ज्यादा बदला लेने वाले हम लोग। ये देखो मशीन को हम लोग ने चालू कर दिया है, अब आने वाला मजा, यहाँ से जल्दी से भागो। ये देखो भाई हम लोग आ चुके हैं, ये स्नोबॉल मशीन से ना पूरा स्नो बना रहे। टीचर को बेल रिंग हो गया क्योंकि मैंने वहां पे बेल रिंग के पास वो रखा था स्टिक। ओके ये देखो अब क्या होने वाला है भाई, हम लोग ने पूरे तरीके से टीचर के ऊपर स्नो डाल दिया। अब टीचर हंसा मजा आया। ये देखो हम लोग ने गाइजर स्नोबॉल से टीचर के साथ मस्ती किया, कैसा लगा? लेकिन गाइजर अभी भी मस्ती खत्म नहीं हुई है, हम लोग और भी मस्ती कर सकते हैं। चलो करके दिखाता हूँ मैं आपको। ओके तो गाइजर ये देखो हम लोग यहाँ पे कितनी मस्ती तरीके से नाच रहे गा रहे। और भाई साहब एक सेकंड, ये टीचर को क्या तकलीफ है? अरे यार ये तो हम लोग आके डांटने लगी। ये देखो भाई मैंने आपके पौधे नहीं टच किए हैं भाई यार। अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पौधे की पावर। भाई सच में यार हम लोग इतने अच्छे तरीके से भाई गा रहे थे, भाई खेल रहे थे, कूद रहे थे, बट ये टीचर को ना समझ नहीं आता। अब गाइजर मैं इनको बताता हूँ, आज गाइजर वैलेंटाइन डे है और टीचर से मिलने के लिए ना मैथ टीचर आने वाले हैं, वो भी इनके घर में। अब मैं अच्छे तरीके से इनका ना पार्टी बिगाड़ता हूँ। ये दो गाइजर यहाँ पे ना भाई, इसने यार पता नहीं कहाँ पे तो, लेकिन इसने भाई साहब पौधे, ये देखो यहाँ पे, हाँ इस जगह पे इसने पौधे लगाए हुए हैं। ये देखो इसी पौधे से अब देखो मैं क्या हाल करने वाला हूँ। चलो सबसे पहले काम करते हैं, इसके घर के अंदर जाते हैं। ओके और इसने मुझे पक्का है कि नहीं भाई, जो टीचर आने वाला है ना घर में, जो मैथ टीचर आने वाला है, उसके लिए पता है टीचर ने क्या बनाया है भाई? यहाँ पे सूप बना के रखा है, ये देखो ये रहा वो सूप। अब मैंने यहाँ पे सूप को बिगाड़ने वाला हूँ। और ये देखो यहाँ पे भाई साहब वैलेंटाइन डे का पूरा तैयारी है। अच्छा चलो अब मैं बताता हूँ प्रॉपर तरीके से, किचन चलता हूँ गाइस यार। ये मैंने किचन में आ गया, अब मुझे अपने कुछ सामान चाहिए। ओके लेट्स गो। ओके चम्मच तो मुझे मिल चुका है, और क्या मुझे मिल सकता है? चलो चेक करते हैं। ओके मुझे यहाँ पे और कुछ भी चाहिए? लो लो चलो 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 चेक करते हैं और मुझे क्या मिल सकता है। लेट्स गो। एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे ये भी मिल चुका है भाई, चाकू। और कुछ मिल सकता है क्या? चलो और देखते हैं कुछ और क्या मिल सकता है मुझे। गाइज मैंने यहाँ पे छुरी और यहाँ पे चम्मच ले लिया, अब मुझे यहाँ पे कलर चाहिए। तो चलो एक काम करते कलर ढूंढते हैं, मुझे पक्का इन्हें कलर ना मुझे ऊपर यहाँ पे मिल ही जाएगा। अरे मैंने छुरी क्यों गिरा दिया भाई, छुरी उड़ जा भाई। चलो यहाँ पे गाइजर अब ना मैं यहाँ पे कलर ढूंढता हूँ, क्या पता मुझे यहाँ पे कलर मिल जाए। कलर कलर कलर, क्योंकि गाइजर मैं यहाँ पे पत्ते मिलाने वाला हूँ सूप में, तो कलर तो मिलाना ही पड़ेगा ना गाइजर, तो वरना पता चल जाएगा कि यार सूप में कुछ गड़बड़ है। ओके तो लेट्स गो। भाई मुझे यहाँ पे ना कहीं भी कलर नहीं मिल रहे हैं, कलर इसने कहाँ रखे होंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके मैं हर जगह देख रहा हूँ, कलर मिल जा भाई। ओके तो गाइजर फाइनली मुझे कलर मिल चुका है, यहाँ पे गाइजर रेड कलर है और यहाँ पे ग्रीन कलर है। सूप कौन सा कलर का था जल्दी से कमेंट करके बताओ, सूप कौन सा कलर का था? याद करो मुझे याद नहीं आ रहा। अरे यार आप लोग ने सही कमेंट किया, ग्रीन कलर का। चलो यार जल्दी से ग्रीन कलर मैं ले लेता हूँ। अब गाइज मुझे ना बस यहाँ पे पत्ते को तोड़ने की देरी है, तो चलो पत्ते को तोड़ने के लिए भाई जल्दी से नीचे उतरते हैं। ये देखो ये रहा सामने में, अब बस मुझे यहाँ पे नीचे उतरना है। लेट्स गो गाइजर। चलो ओके अब मैंने यहाँ पे नो टीचर मेरे पीछे है। अरे यार भागो भागो जल्दी भागो, अरे टीचर मुझे पकड़ लेगी, भागो। ओ नो 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 भागो भागो जल्दी भागो। अरे यार यहाँ से तो मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। अरे भागो भागो टीचर मेरे पीछे है भाई, मैं पत्ते काट रहा था और टीचर मेरे पीछे पड़ चुकी है। अरे टीचर छोड़ दे भाई, मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, मेरे जान के पीछे क्यों पड़ी हुई है, छोड़ दे मुझे। ओके मुझे यहाँ से भागते रहना होगा जब तक टीचर मुझे छोड़े ना। ओके ओके चलो 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 जाने दो मुझे जाने दो। ओ नो नो भागो यार भागो जल्दी भागो, उछल उछल के भागो जल्दी भागो। ओके ये टीचर तो मेरा भाई पीछा ही नहीं छोड़ रही है, पता नहीं क्या हो गया। ओ भागो, हेलो यार मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, अरे जाने दो। Stay
ओके, अब जाके यार उसने मुझे मेरा पीछा छोड़ा है। चलो भाई अब मैं अंदर जाता हूँ चुपचाप। लेट्स गो गाइस, यार अंदर चलता हूँ। और भाई साहब अब मैं ना यार इसका अच्छे तरीके से सूप बिगाड़ने वाला हूँ। ये देखो, चलो यार इसका सूप मैं ना अच्छे तरीके से, भाई मैंने पत्ते डाल दिए। अब एक काम करता हूँ, पत्ते को मैं भाई अच्छे तरीके से मिक्स कर देता हूँ। ये देखो पत्ते को मैंने मिक्स कर दिया, अब यार पत्ता पूरा रेड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ये ग्रीन कलर डाल देता हूँ जिससे भाई साहब ये नॉर्मल हो जाए। ये देखो प्रॉपर तरीके से नॉर्मल हो चुका है। अब भाई यहाँ से जल्दी से भागने का देरी है, तो वरना तो यार यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। लेट्स गो, यहाँ पे जल्दी से भागो यहाँ पे। भाई इसने मेन गेट पे तो यार ताला लगा के रखा है, इसलिए मुझे यहाँ पे खिड़की से भागना पड़ेगा। चलो और टीचर वहीं पे है, भागो यार टीचर मेरे पीछे ना पड़ जाए। भागो भागो जल्दी भागो, टीचर मेरे पीछे से ही गई है, इसीलिए मुझे ऐसे जल्दी से भागना होगा। लेट्स गो, अब इंतजार करते हैं मैथ वाले अंकल, मतलब मैथ वाले टीचर आने का। ये लो गाइस, ये देखो आ गए। अरे वाह, देखो ये आ गया। ओके, ये तो प्यार में पूरे तरीके से पागल ही है। चलो जाओ। ओके, इसने सूप बनाया है। ओके, देखते हैं कैसा टेस्ट करता है। चलो। ओके, सर भी पूरे तरीके से एकदम सज के आए हैं। ये देखो, पियो पियो, अच्छे से पियो। ओह नो, इसका मुंह देखो भाई क्या ही डर चुका है। ओके, इसका चेहरा भी खराब हो चुका है। ओके, ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई पीट करना चालू कर दिया, ये तो गया समझो। ओके, तो गाइजर फाइनली हम लोग ने गाइजर यहाँ पे बहुत ही मस्ती मजाक कर लिया। अब चलो अपने दोस्तों को भी बचा लेते हैं। मैं दोबारा कभी नहीं आने वाली इन लोग को पढ़ाने के लिए। मैं तो जा रही हूँ, मैं कभी नहीं आऊंगी इन लोग को पढ़ाने के लिए। भागो भागो जल्दी भागो, ये लोग ने मेरा जीना हराम कर दिया है। फाइनली गाइजर भाई ए के भाई ने हम सब लोग की मदद की और भाई साहब टीचर को अच्छे सबक सिखाया और टीचर को यहाँ से भगा दिया और हम सब लोग यार अभी आजाद है। अब यार हम लोग ना अच्छे टीचर से पढ़ेंगे, वो इतनी डरावनी टीचर से नहीं जो हम सबको मारती पीटती रहे। तो गाइजर नीचे कमेंट करके बताना कि भाई यार आज की वीडियो कैसी लगी। एंड गाइजर अगर आप चाहते हैं कि भाई साहब हम लोग स्कैरी टीचर का पार्ट 2 भी लेके आए तो कमेंट करके जल्दी से जल्दी पार्ट 2 जरूर लिखना। तो गाइजर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और कर देना बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट Take care and goodbye, दोस्तों।